मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वृंदावन पहुंचे। यहां पर वात्सल्य ग्राम में षष्ठी महोत्सव में शामिल हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने मां साध्वी रितांबरा को 60वें जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को मंदिर का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास की जो गाथा लिख रहे हैं काफी सराहनीय है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हम भी अयोध्या आना चाहते हैं, ऐसे लोग भी जो तमाम समय में जब दीदी माँ हमारा आंदोलन कर रही थी, अपने आप को लगा रही थी, अनेक देशों में जो उनकी सामने तमाम चित्र लगे हुए हैं, आप सब लोग उसको जरूर देखेगा कि दीदी माँ ने किस प्रकार से अपने भेष बदल बदल कर उस आंदोलन को गति देने का काम किया था। तो उस समय में ये तमाम लोग जितने हथकंडे हो सकते थे उन हथकंडों को अपनाकर राम मंदिर का काम रोकने का काम करते थे। भाई बहनों, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले न तो मंदिर बना पाते, ना कश्मीर से धारा 370 हटा पाते, ना ही 3 तलाक हटा पाते। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की क्षमता है कि वह बस अपने कर्तव्य पथ पर लगातार आगे बढ़ते गए हैं। उसी का परिणाम है कि आज ये सब काम हमारे सामने चरितार्थ हो रहे हैं।